कितनी मीठी है। ये मेरी आर्ट में मुझे मदद कर रही है। यहाँ क्या हो रहा है? ओ, तुम्हें रोज पता है ना बच्ची, कोई कैंडी नहीं। वैसे भी इतना मीठा कौन खाता है? ओ, इसे क्या हुआ है? क्या तुम समझा सकती हो? बढ़िया हाँ, मैंने ये खुद बनाया है। मेरे लिए भी बनाओ। आज यहाँ क्या हो रहा है? ये क्या है? ओ, प्रिंसिपल, कैंडी लाना मना है। अब तुम्हारी पनिशमेंट। नहीं रुको। वाओ, ये कैसी जगह है? जरा सुनिए, अब समय अपने यूटेंसिल्स चुनने का। एक बर्ड बनानी है। ये तुम्हारा पहला आर्ट चैलेंज है। जरा सोचने दो। आ, ये स्कार्फ, ये मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। क्या? ये वही है जो मैं सोच रही हूँ। निकलो यहाँ से, सिली बर्ड। कम से कम इससे मुझे कोई मदद तो मिली। वैसे मेरे पास एक चीज है जैसे और अच्छा करेगा। ये इसके अंदर कैसे आया? जो भी है, जैसा मैं कह रही थी। हाँ, क्या ये कोई मजाक है? ठीक है, आखिरकार मेरा सामान। ओह बढ़िया, एक और बोरिंग बुक। इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। गॉगल्स, इनमें से कोई भी सामान काम का नहीं है। ये सब मैथ्स क्या है? जैसे मुझे इनमें से कुछ पता भी हो। और दूसरी बात, मैं अपनी मदद के लिए नंबर्स का इस्तेमाल कर सकती हूँ। मुझे इसकी बॉडी बनाने के लिए कुछ मैजिक नंबर्स का इस्तेमाल करना होगा। और सर पर भी, ये बर्ड जैसी लग रही है ना? जब तक इस पर कलर नहीं हो जाता इंतजार करो। क्या तुम ठीक हो मेरी लिटिल चिकिटी? मैं तुम्हें बहुत सुंदर फेदर्स दूंगी, रेनबो के सभी रंगों के साथ। ये खत्म हो गया। तुम्हें क्या लगता है, क्या आप इसमें नंबर्स देख सकते हैं? बढ़िया। और तुम? मैं कुछ बेकार मौसम में फंस गई हूँ। मैंने अब तक यही बनाया है। ओह, तुम ये राउंड जीती हो एनी। ओह ये, मेरे लिए शुक्रिया। मैं ऐसे काम नहीं कर सकती। काश मुझे पता होता कि ये होने वाला है। ओ, दूसरा चैलेंज है हमारे पास। मैं दिन भर काफी एप्पल्स देखती हूँ। मैं जानती हूँ कैसे शुरू करना है। और ये बन गया परफेक्ट सर्कल। लेकिन मैं स्टेम कहाँ बनाऊँ? पूरे पेज पर तो सर्कल बन गया। दूसरा वाला लेती हूँ। मुझे कहीं से मदद की जरूरत है। रुको, मुझे एक बढ़िया एप्पल दिख गया। उनका ध्यान कहीं और लग रहा है। मैं जा रही हूँ। मिशन एप्पल इम्पॉसिबल, पूरे इफेक्ट्स के साथ। मेरे पास हथियार है और मैं तैयार हूँ। बस बहुत ध्यान से इसको काटना होगा। हाँ, एनी क्या कर रही है? क्या कर रही हो? बैठ जाओ। माफ करना। ओ यार, मैं बस करने वाली थी। शायद जितना मुझे आता है वही ड्रॉ करना होगा। जैसे कि वर्ड एप्पल, ये आसान है। PPLE। एक मिनट, अगर मैं इस वर्ड को 5 से डिवाइड करूं या एक एप्पल से, तो मैं काफी अच्छे से ड्रॉ कर पाऊंगी। ठीक है, तो चलो 5 को थोड़ा बड़ा बनाएं। कौन जानता था कि एक नंबर से पूरा एप्पल बन जाएगा। आप जान भी नहीं पाओगे कि एक नंबर से स्टार्ट हुआ है, खासकर तब जब उसमें तुम कलर कर लोगे। बिल्कुल सही ब्लेंड करना है और ये बहुत अच्छा बन जाएगा। उप्स, स्टेम मत भूलना। थोड़ी सी शैडो बना दो और थोड़ी और डिटेल्स, और एकदम खाने लायक बन गया। क्या आप सहमत नहीं है? तारा, मैंने कर दिया। मैंने भी। कितना असली लग रहा है और कितना फ्लैट। खैर, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। ब्रावो एनी, मैं जीत गई। हाँ, काश मेरे पास असली एप्पल होता। मेरे पास भी। उफ, किसी ने ये पहले से खाया हुआ है। उफ, हाँ, अच्छी बात है मेरा फ्रेश है। ओह
ओहो मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, कितना हैंडसम है। वैसे तुम ये क्यों नहीं बनाती? अभी ओह ये शुरू हो गया। मैं डॉगी बनाने में एक्सपर्ट हूँ। सिर्फ सिर, बॉडी और चार टांगे बनानी है, लेकिन ये थोड़ा डर लग रहा है ना? जरा मुझे दोबारा ट्राई करने दो, मेरे ख्याल से बड़ा बनाना बेहतर होगा। अभी भी बुरा है। हाँ, नहीं अभी भी बेकार है। हे व्हाट, शांत हो जाओ। हे मेरे ख्याल से मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपना हाथ का इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि एक बार मैंने आउटलाइन बना ली तो डिटेल्स बनानी आसान होगी। विश्वास करो ये बहुत अच्छा बनेगा। देखा, अब सिर्फ कलर करना बचा है और ये अच्छा बच्चा चॉकलेट ब्राउन वाइब्स दे रहा है। पिंक टंग मत भूलना, डॉगी का ट्रेडमार्क। टाटा, देखा तुमने, काफी अच्छे से बनाया है। और तुम्हारा हैनी? क्या? कुछ नहीं बनाया। इसका मतलब आप जीत गई मिस एमा। ये स्वादिष्ट लग रहा है, शुक्रिया। चॉकलेट डॉगीज, मैं इससे शुरू करूंगी। अच्छा दिख रहा है। कितना क्रीमी है। ये सही नहीं है। शांत हो जाओ बच्ची, एक ले लो। ओह सच में शुक्रिया। बिल्कुल, थोड़ा सा कुछ असली दिखना चाहिए लेडीज। हे, ओह इसके लिए माफी चाहते हैं। क्या हमें हाथ बनाना है? ठीक है ठीक है, मेरे पास एक प्लान है। चलो देखें, ये हाथ काम करेगा, लेकिन ये वाला काफी बेहतर है। हाँ, एक हाथ उधार लेने की बात हो रही है, मुझे बस इसे यहाँ ट्रेस करना है। ये राउंड मैं ही जीतूंगी। हे देखो, एक मिनट, सच में ठीक है, ये चीज मजेदार है। वैसे मैं जानती हूँ, बहुत अच्छी बच्ची। हाँ एनी, खैर ये अजीब था, वहाँ थोड़ी वैक्स महसूस हुई। हाँ परेशान मत करो, मैं यहाँ काम कर रही हूँ। रुको, पता है क्या, ये काम आएगा। आर्ट एक इंस्पिरेशन है, कॉपी करना नहीं। और इन ट्विस्टेड फिंगर्स ने काम कर दिया, लाल नाखूनों ने जरूरी है ना? ये चीज काफी काम आ रही है। बन गया। वो कहाँ गई? ओह, वैसे भी हे हाथ दिखाओ। ठीक है, वो उन्होंने ये कैसे बनाया? इसके सामने मेरा कितना बेकार लग रहा है। हे भगवान, बहुत खूब। वो किसे हाथ दिखा रही है? मेरे प्राइस को। और वाओ ये शानदार है, मैं आर्ट क्वीन हूँ। जलन हो रही है, बहुत बढ़िया, इसके बारे में सोचना भी मत। कैसे हो दोस्त, क्या तुम ये बना सकते हो? तो चलो शुरू हो जाओ, ये बहुत आसान होगा। इस राउंड में पिंक कमाल करके दिखाएगा। ओहा, पहले पेपर कप बनाओ। बबल गम पिंक मेरा मन पसंद है। ओह, उन्होंने साइज नहीं बताया। मैं कहूंगी ये 5 इंच है। और अब स्वादिष्ट हिस्से की बारी, कितना अच्छा है। लेकिन ग्रीन शायद बेकार चॉइस थी। हाँ, क्या ये आइसक्रीम है? मैं ये नहीं बनाना चाहती थी। तुम्हें सब्जियां चाहिए थी है ना? बहुत बुरी गलती थी। मैं कहूंगी जितना असली उतना बेहतर। बड़े क्रीमी स्कूप से शुरुआत करते हैं। कलरिंग हमेशा इसके बाद होती है, इस तरह तुम अच्छे से बना पाओगे। देखा, मैं ये कह रही थी, सारी डिटेल्स बनाना सही रहेगा। देखा आइसक्रीम, ये कब पर लिखा है? आखिरकार इसे कलर करने का समय है।
की आइसक्रीम मुझे भूखा बना रही है। यही होता है जब तुम कुछ असली ड्रॉ करते हो। लगभग हो गया, बस थोड़ी सी और डिटेल्स और हो गया। मैंने बना लिया, जरा इधर देखिए। हाँ, ओ जरा देखने दो। तो इसे कहते हैं मास्टरपीस। ये लो। हाँ, वो ये तो एक असली आइसक्रीम के बकेट में बदल गई। ये अब तक का सबसे अच्छा प्राइस है। ये टॉर्चर है, मुझे ब्रोकली पसंद भी नहीं है। की जैसा स्वाद आ रहा है। हाँ, पहला चैलेंज, पता नहीं इसमें क्या होगा। हाँ, कितना प्यारा पपी है, हम इसे रख सकते हैं। ठीक है, मैं कर सकती हूँ। मैंने आर्टिस्ट को ये करते हुए देखा है, पता नहीं क्यों, पर ये अच्छा लग रहा है। ये पपी के लिए बहुत छोटा है। हाँ, मेरे पास भी हाथ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आह, समझ गई, ये आसान है। मैं अपना हाथ प्रेस करूँगी। तुम क्या कर रही हो? कम से कम वो खुश है। मैं पेपर पर हाथ इस तरह रखती हूँ और फिर इसे ड्रॉ करते हैं। इसे एक डॉग की तरह बनाना होगा। थोड़ा फर, प्यारी प्यारी आंखें और एक नाक। अब इसे कलर करेंगे। ये काफी अच्छा लग रहा है। लाइन के अंदर अंदर बस हो ही गया। लो, वो कितना प्यारा है, मुझे इस पर गर्व है। मैं इसे लकी बुलाऊंगी। ये काफी अच्छा है, मतलब मुझे मेरा वाला भी पसंद है। पर वाह, कम से कम तुमने कोशिश की। कौन जीता? हाँ, देखो कुछ हो रहा है। बिस्किट्स, यम्मी। इसकी शेप हड्डी जैसी है। जीनियस, मुझे डॉग थीम बहुत पसंद है। मैं इसे ट्राई करने का इंतजार नहीं कर पा रही। रुको, बिस्किट्स, बोन, डॉग। रुको, ये तुम्हारे लिए नहीं है। इसका स्वाद कितना अच्छा है, मुझे इसकी रेसिपी चाहिए। ओह, काश तुम ये ना करती। क्या हुआ? ये बिस्किट्स, ये पपी के लिए है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। हे, इधर आओ बच्चे, हमारे पास गुडीज हैं। चलो। हाँ, सबसे अच्छा बच्चा कौन है? तुम। हाँ, तुम। तुम्हें इतनी पोज करने के बाद भूख लग गई होगी। कितना तेज पपी है। तो चलो, ये तुम्हारे लिए ही है। ला 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 ला। उफ, माफ करना क्लास। तो इधर क्या है? एक स्टार। शुरू करो। ये क्या है? पेंट सप्लाइज। रुको, हो ये मॉली रख लेगी। जरा इसे देखो। वाह, आज का दिन मेरे लिए लकी है। पेज पर एक टेम्पलेट रखेंगे। अब इस पर अलग अलग कलर का पेंट लगाएंगे। टेम्पलेट के ऊपर पेंट करेंगे, इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। अब टेम्पलेट को हटा देंगे। वाह, रेनबो जैसा लग रहा है, मुझे बहुत पसंद आया। तो तुम यही कर सकती हो। मुझे एक कॉल करनी है। हेलो। हाँ, मुझे जरा मदद चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? स्टार बनाना है। आसान है, मेरे जैसे प्रोफेशनल के लिए ये कुछ भी नहीं है। सिर्फ देखो और सीखो, कुछ और मुश्किल होना चाहिए था, पर क्या ही कर सकते हैं। लो, हो गया। जरा देखो। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ। ओह, पूरा हो गया। वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम ही मेरी म्यूज हो। और तुम भी ना। मैं तुम्हारी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। आह, मैं यहाँ से चली जाऊँ? मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। ये तुम्हारे लिए। तुम कितने रोमांटिक हो। तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। चलो चले, मेरी पेंटिंग देखो। जी हाँ, अगला असाइनमेंट आ चुका है, तो ध्यान दो। एक आइसक्रीम कोन। हाँ, मैं कर सकता हूँ। अपने आर्टिस्टिक स्किल्स इस्तेमाल करते हैं। आइसक्रीम और कोन हो गया, अब इसमें जान लाते हैं। लो, ये कितना खुश लग रहा है। और अब कलर की बारी। मैं इसे थोड़ा अच्छे से सजाऊंगा। ठीक है, देखते हैं ये वैसे काम करता है या नहीं। ये ब्लू हो गया। और अब पर्पल। आंखों के आसपास करेंगे। और अब आखिर में पिंक, जैसा हमने सोचा था। शानदार, इसे कहते हैं एक मजेदार आइसक्रीम कोन। अब इस कोन की बारी। इसे बोरिंग नहीं होना चाहिए। येलो से इसमें एक बोल्ड कॉन्ट्रास्ट ऐड होगा। ओह,
इसने ये कैसे किया? कमाल है। इसे इस तरह से करना बेहतर रहा। हाँ, बढ़िया है। मुझे भी कुछ ऐसा ही चाहिए। देखते हैं। ओ, मुझे यही तो चाहिए। Excuse me. Hi. मैं ये ले सकती हूँ प्लीज? मैं तुम्हें नहीं जानती। पर मुझे इसकी सच में जरूरत है। ये क्या है? क्या कर रही हो? ये मेरी है। छोड़ो, जाओ यहाँ से। मुझे माफ कर देना, गलती से हुआ है। हाँ, मैं वापस आ गई। काम शुरू करते हैं। सुंदर सी टेप से हम कोन को टिकाएंगे। थोड़ी सी और चाहिए। और थोड़ा यहाँ नीचे। ये देखो, इससे ये बिल्कुल टिकी रहेगी। परफेक्ट। मैम, मैं आपको अपना आर्ट दिखाना चाहती हूँ। ओ, बन गया। बढ़िया। ओ, क्या ये सच में एक आर्ट है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। हे, दिखाओ तुमने क्या बनाया। हाँ बिल्कुल, ये हुई ना बात। एकदम प्यारा सा रंगीन। ये बहुत प्यारा है। ये रहा तुम्हारा प्राइस। अरे वाह, मुझे भूख ही लग रही थी। मुझे आइसक्रीम पसंद है। ओह, ये तो बहुत ठंडी है। रुको, ये क्या हुआ? बचाओ, मैं जम गया। हाँ, तुम्हें क्या हो गया है? ओह, आइसक्रीम सच में बहुत ठंडी थी। ओप्स, ये तो गया। आउच, ठीक तो हूँ ना? अब इन्हें क्या हो गया है? पता नहीं, ये टॉवल से क्या कर रही हैं? हाय, हाँ, हम आपको याद है। खैर तो ठीक है। लो, फ्लेमिंगो देखो। ओह, एक फ्लेमिंगो। ठीक है, ये मजेदार होगा। मैं अपना फेवरेट मेथड इस्तेमाल करूंगी, हाथ ट्रेस करने का। सही है। अब पेपर को रोटेट करेंगे, इसका एक सर बनाएंगे और इसकी बड़ी सी चोंच भी। हाँ, आंख बन गई। अब विंग्स की बारी। और इसकी लंबी लातें। अब इसे कलर करेंगे। फ्लेमिंगो तो पिंक ही होना चाहिए। जब ये पूरा हो जाएगा तो बहुत सुंदर दिखेगा, मैं जानती हूँ। कलर करते जाओ, कलर करते जाओ। बस थोड़ा सा और। हो गया। मुझे दिखाओ। स्केल सीधा रखना होगा। मैं बना ही लूंगी। मैं इसमें माहिर हूँ। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिखता है शायद। हाँ, हो गया। ये फ्लेमिंगो ही लग रहा है। मुझे बस नहाने की ही जरूरत थी, तो तुमने बना लिया। ये क्या है? कितना अजीब सा चिकन है। हाँ, माफ करना, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तुम्हारा वाला काफी अच्छा लग रहा है। तुम ये फ्लेमिंगो चैलेंज जीतती हो। बधाई हो। हाँ, मैं खुद ही जीती हूँ। सुनो, उदास मत हो, मैं तुम्हारे साथ शेयर करूँगी। ये लो। शुक्रिया। अब मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। देखो ये रोज की खुशबू कितनी अच्छी है। ठीक है। हाँ, हम फ्लावर ड्रॉ करेंगे। हाँ? ओ नहीं, मेरा पेंट कितना बेकार है। अरे नहीं, अब मैं इसका क्या करूं? मुझे आर्ट सप्लाइज चाहिए। देखते हैं कौन से कलर से शुरू करें। पिंक, बिल्कुल। तुम ये नहीं ले सकती, मुझे ये चाहिए। प्लीज, मेरा पेंट खराब हो गया है और सूख गया है। मैंने कहा ना, नहीं, तुम्हें खुद ही कुछ करना होगा। मैं अपना रोज कैसे ड्रॉ करूं? वो बहुत सुंदर होना चाहिए। अरे हाँ, ये जरूर काम करेगा। वो मेरे साथ शेयर नहीं कर रही, कितनी मतलबी है। मुझे अब इसका खुद ही कुछ करना होगा। पहले गहरी सांस लो। वो थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है। हाँ, मेरे बैग को क्या हो गया? बढ़िया, इस पर पेंट लग गया। हट जाओ पेंट। मैंने कहा हटो। ये क्या? अपने पेंट को पेपर तक ही रखो प्लीज। हाँ, इस बैग से ही पेंट लगाओ। ओह, हाँ ठीक है, समझ गई। जैसा उन्होंने कहा, मैं इसे डाब करूंगी। ये रहा, एक यहाँ और एक यहाँ भी। अरे वाह, कितना बढ़िया लग रहा है। किसे पता था। देखते हैं, मैं और क्या कर सकती हूँ। समझ गई। वो कहाँ चली गई? जो भी हो, वो जो मर्जी करे, बस मुझे ये चाहिए। योंक। हाँ ठीक है, ये रहा पेंट ब्रश। आर्ट को पूरा करेंगे। फ्लावर्स के साथ सुंदर लीव्स तो होनी ही चाहिए। टाइम खत्म हुआ, मुझे अपनी रोज आर्ट वर्क दिखाओ प्लीज। हाँ, मैं तैयार हूँ। ये रही मेरी पिक्चर। सुंदर है ना? वैसे सुंदरता तो देखने वाले की नजरों में होती है। पर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उसका तो कमाल का है। हाँ, इसीलिए वो इस राउंड की विजेता है। हाँ, मैं एक और जीत गई। विश्वास नहीं हो रहा। ओह, कैंडी, मेरी फेवरेट, देखो। हाँ, बधाई हो। ये मजेदार है। ओह, ये क्या है? जरा उसे देखो। एमा, वो नीचे रख दो। अभी क्या, अभी रुक जाओ। तुम मेरी बात सुन रही हो? ओ, उसकी आंख फड़क रही है, कुछ बुरा होगा। आराम से, ये ट्राई करो। दो मुझे।
मेरी टेंशन थोड़ी कम हो रही है। ये बेहतर है, तुम मुझे समझते हो। रुको, मैं ये इस्तेमाल कर सकती हूँ। पहले ट्री बनाएंगे। नेचर अच्छी चीज है, ब्रांचेस और ट्रंक के लिए ब्लैक पेन सही रहेगा। ये अच्छा लग रहा है। अब एक बबल रैप का स्क्वायर लेंगे और इसे पेंट में डिप करेंगे। पिंक और व्हाइट को मिक्स कर लेंगे। इसे ड्राइंग पर डैप करेंगे। ये लीव्स जैसा इम्प्रेशन दे रहा है। कितनी खूबसूरत ट्री है, तुम्हें पसंद आई अम्मा? उप्स, मैं भी ना। वाह मॉम, ये तो कमाल का है। हे, मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ क्या करना है। मैं कैसा लग रहा हूँ? कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं एक आर्ट हूँ। क्या सच में? बहुत अच्छे डैड, और विनर है मॉम। दोबारा? वाह क्या बात है, सच में? मैं बबल पॉप कर दूं। क्या आप आर्ट चैलेंज में कम्पीट करना चाहेंगे? अपने दोस्तों के साथ करें और हमें बताइए कैसा हुआ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।